को देख नहीं पा रहा, इसलिए बोल रहा आपको खुद को हूँ, मेरे देखने पीछे की बहुत। जरूरत हेलो एंड सलाम अलैकुम, वेलकम टू लेट्स टॉक फोटोग्राफी सेशन वन। और आज हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि हम फोटोग्राफी के बारे में इंशाल्लाह सेशंस करते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं फोटोग्राफी के। आज मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड अलीशान हैं, ठीक है। फर्स्ट सेशन में ही इज़ वेरी नाइस कि मैंने रात को इनको कॉल की कि मेरे माइज की आइडिया हुआ आया हुआ है। सो ऑल्दो ये मुल्तान में थे इस वक्त, लेकिन इन्होंने ही इज़ वेरी काइंड के फौरन से मुझे हाँ भर दी और नाउ वी आर विद यू। सो अलीशान बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करते हैं, लिव्स इन इस्लामाबाद सिंस मेनी इयर्स, आई थिंक एजुकेशन की वजह से इस्लामाबाद में थे ये। सो लेट्स टॉक फोटोग्राफी, ओके सेशन वन। थैंक यू सो मच। सो आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएं, देन वी विल मूव ऑन। बस शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो आपने दिया है, मेरा थोड़ा सा ये था कि मैंने फोटोग्राफी का जो स्टार्ट था वो 2005 से लिया था। एक छोटा सा मेरे पास कैमरा था, उसके बाद ऑब्वियसली जो एक न्यू एक जो बंदा होता है उसके लिए थोड़ी सी हर्डल्स पेश आती हैं, तो बस वो हर्डल्स चलती रही, जनून था। तो 2008 में मैंने अपना एक छोटा सा स्टूडियो बनाया मैं, और स्टूडियो को लेकर चलता रहा। 4 साल जब गुजरे तो मुझे थोड़ा फील आई कि यार मतलब क्या अजीब सा एक शॉपकीपर वाली फील आने लग गई मुझे कि यार मुझे मुझे शॉपकीपर नहीं बनना है, फोटोग्राफर। और मतलब उसमें एक बंदे की क्रिएटिविटी जो डाउन एक सर्कल के अंदर रह जाती है कि यार कस्टमर ने आना है, आपने उसको स्लिप बना कर देनी है, और एक 4 up या 6 का मतलब एक इस तरह की इमेजेस बनानी है, और बस मतलब अजीब सा था मेरे लिए। मैंने उसको वाइंड अप किया और मैंने सर्च स्टार्ट की कि मैं कुछ ऐसा इसमें कुछ स्टडीज करूँ। तो उस टाइम पे पाकिस्तान में तकरीबन 2012 की लास्ट में जब मैंने रिसर्च किया तो पाकिस्तान में उस टाइम पे सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन थे जो इसको जस्ट डिप्लोमा करवा रहे थे, वो उनमें एक इंडस वैली कराची था और एक नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर था। तो मेरे लिए करीब लाहौर में था, तो बस मैंने एनसीए ज्वाइन किया और वहां से फोटोग्राफी का डिप्लोमा किया, और उसके बाद फिर मैं अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे हुए था। ये भी एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एक चीज होती है कि आप जब फोटोग्राफी को स्टार्ट करते हैं तो आप बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैंने फोटोग्राफी तो कर ली, लेकिन मैं किस टाइप की फोटोग्राफी को ज्वाइन करूं। पता है क्या मेरा इसमें, मैं आपसे बड़ी एग्री करता हूँ इसमें, पता है क्या, फोटोग्राफी नहीं, आर्ट की जितनी फील्ड है ना उसमें ऐसा ही होता है। मैं जब यंग था कॉलेज लाइफ में तो मैंने कुछ म्यूजिक किया, बहुत सरसरी सर ड्रम ड्रम बजाए थे, उस टाइम पे यही कंफ्यूजन होती थी। और लिटरली आप जो कह रहे हैं ना दुकान खोल के, होता पता क्या था, म्यूजिक स्कूल में अगर 10 लड़के ज्वाइन करते थे ना तो उसमें से 8 जो है ना वो बाद में ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बेच रहे होते थे, ठीक है। तो उसमें से 1 या 2 ही थे होते थे जो उसको एज ए आर्ट लेके चलते थे अपने साथ और उसको एज ए आर्ट या एज ए प्रोफेशन ही अपनाते थे। सो ये आर्ट की फील्ड में ये तकरीबन सब जगह ही अप्लाई होता है। सो थैंक यू। आज हमारा जो थीम है, एज हमने डिस्कस किया, आज हम पोर्ट्रेट डिस्कस करते हैं। ऑल्दो मैं हॉबी फोटोग्राफर हूँ, हॉबीस्ट हूँ, आपको पता है, बट ऑलवेज इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। तो मैं, मेरे पास तो ज़्यादा पोर्ट्रेट्स नहीं होते, मेरे पास जो भी होते हैं तो ट्रैवल पोर्ट्रेट्स होते हैं। सो एक काम करते हैं, आप अपने पोर्ट्रेट्स, हम कोई 3 आपके मैं स्क्रीन शेयर करा के दिखा दूंगा व्यूअर्स को, आप बताएं कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी क्या चीज़ है, ब्रीफ बताएं लोगों, जस्ट नॉलेज फॉर नॉलेज। जनरली हमारे यहाँ एक अजीब सा ये कॉन्सेप्ट है कि बंदे को थोड़ा सा जूम करके और उसका जिस तरह हम पासपोर्ट साइज तस्वीर बनाते हैं, जनरली ये कॉन्सेप्ट आम पाकिस्तानियों में पाया जाता है यार इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो पोर्ट्रेट बेसिकली हम इसको सर्कल के अंदर नहीं ला सकते, बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है। पोर्ट्रेट में बेसिकली बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, उसमें आपके एक्सप्रेशंस हैं, आपकी जो बेसिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल कोई भी फील्ड हो सकती है, आप किस टोन में, आपके उसमें मूड्स आते हैं, उसमें टाइम आता है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। पोर्ट्रेट एक छोटा सा वर्ड नहीं, एक बहुत बड़ा वास्ट वर्ड है, और इसमें बहुत सारे जो समझने वाले फोटोग्राफर्स हैं वो इसमें लाइटिंग से भी खेलते हैं, क्योंकि लाइट से बेसिकली हम एनवायरमेंट, फोटोग्राफी इज आई थिंक ऑल अबाउट लाइटिंग। मेरा तो मुझे ये डेफिनेशन जो समझ आई है
एज ए हॉबी के फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट लाइटिंग बेसिकली. आप लाइट मैनेज कर रहे हो तो कभी एक्सटर्नल लगा के कभी कैमरे के अंदर जो हम ISO अपर्चर और ये जो ट्राइंगल को सेट करते हैं तो हम लाइट की ही सेटिंग कर रहे होते हैं कि कितनी लाइट सेंसर तक पहुंचेगी. सो आई एग्री कि फोटोग्राफी तो लाइटिंग ही लाइटिंग है मेरे ख्याल में और तो कुछ भी नहीं. एक्जेक्टली. तो इस तरीके से वो एक मूवी आई थी गेम्स ऑफ ट्रॉन. तो ये भी गेम ऑफ लाइट है बेसिकली. लाइट नहीं है मैंने नहीं देखी गेम ऑफ ट्रॉन. मुझे भाई शायद आदमी होगा जो मैंने गेम ऑफ ट्रॉन नहीं देखा. अच्छा मुझे याद है कि जब मैं हमारी क्लास चलती थी एनसीए में, ये 2013 की बात है, तो हमारे एक टीचर ने हमसे पूछा था कि ऐसी क्या चीज है, कोई ऐसी एक चीज बताएं जिसके बगैर फोटोग्राफी मुमकिन नहीं है. तो क्योंकि 2005 में जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मेरे एक अंकल थे जिनका बहुत बड़ा मुल्तान में बहुत बड़ा ब्रांड था पाकिस्तान फोटो स्टूडियो के नाम से. तो उनसे मैं अक्सर जाके उनसे गपशप करता था तो उनसे सीखता था. तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि बेटा लाइट नहीं है तो फोटोग्राफी नहीं. और उस टाइम फिर पूरी क्लास में से जस्ट मैंने उनको जवाब दिया तो वो बहुत खुश हुए कि यार आपने बिल्कुल ठीक बात की. क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कैमरा नहीं हो तो फोटोग्राफी नहीं हो, सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो ये मतलब बहुत सारे. लेकिन कोई शक नहीं है कि लाइट जो है ना वो पूरी फोटोग्राफर को फोटोग्राफर बनाने वाली जो चीज है वो लाइट है. बिल्कुल. चले अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट. मैं जैसे अली शान ने बताया कि इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस टाइप का ओपन किया हुआ है और ये टीच भी करते हैं फोटोग्राफी जो मुझे नॉलेज है, ऐसा ही है ना. सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कराता हूँ ताकि लोग जो है ना आपकी वेबसाइट को हम दिखाते हैं और फिर हम अपने पोर्ट्रेट्स के डिस्कशन की तरफ बढ़ जाएंगे. क्या ख्याल है? तो ये अली शान की वेबसाइट है alishanproductions.com. अब से ऊपर लीमू आ गए इसके ऊपर पहली तस्वीर. ठीक है, वेरी नाइस. हाँ ये है. तो इसको जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये इनके सारे पेजेस सारा आ रहा है अबाउट अस. तो इनका ये काम हम देख सकते हैं, आप काम देख सकते हैं इनका, और स्पेशली वो तो हम डिस्कस करेंगे. हम सर्विसेज में जाते हैं. सो इफ एनीबडी इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर, पोस्ट प्रोडक्शन, सो ये ऑल जो उसका इकोसिस्टम है फोटोग्राफी का या प्रोडक्शन हाउस का, ये उसको कवर करते हैं. सो इन्होंने काफी लोगों के साथ काम भी किया है. इनके क्लाइंट्स में एके डीन के इदारे हैं, पेल है, सिविल एविएशन है. सो दिस इज ऑल अबाउट alishanproductions.com. ठीक है. सो नेक्स्ट हम चलते हैं अलीशान. आपके जो पोर्ट्रेट्स हम मैंने सेलेक्ट किए थे, हम पहले उनको देखते हैं कि आप उसके बारे में क्या स्टोरी अपनी टेल कर सकते हैं. मैं स्टार्ट करूंगा ये वाला, मुझे बड़ा पसंद आया ये फोटो रियली. सो क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या स्टोरी है इस पिक्चर की? महेश भाई, स्टोरी ये है कि वक्तन फवक्तन ना जब मैं बहुत ज्यादा शदीद बोर हो जाता हूँ तो मैं बस कैमरा उठाता हूँ, निकल जाता हूँ. एक दोस्त मेरा है और उसको मैं बोलता हूँ चलो यार चलें. तो बाइक में एक मरतबा हम मुल्तान से शुजाबाद की तरफ गए. तो मैं ना पागलों की तरह कोई चीज ढूंढ रहा था कि कोई सब्जेक्ट, कोई सीन, कुछ भी ऐसा मिल जाए बस मैं कैप्चर करूँ. मतलब एक लेवल आता है जब हम काफी टाइम कैप्चर नहीं करते तो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल आ जाता है और हम चाहते हैं यार हमें कुछ मिले जिसको हम क्रेविंग हो रही होती है, खाने की भूख लगती है ना, ऐसे क्रेविंग हो रही होती है आपकी. कोई शक नहीं. तो बस वहां पर भी कोई ऐसा मजे का सब्जेक्ट ना मिला तो हम वहां से टाइम शाइम गुजार गए. गर्मियों का दिन था तो हम वापस आ रहे थे. तो वहां पर एक छोटा सा मतलब कस्बा टाइप हमें नजर आया, वहां पर काफी ज्यादा कैमर्स थे. ये कौन सी लोकेशन है? ये शुजाबाद से मुल्तान के रास्ते में एक छोटा सा कस्बा है. मुझे क्योंकि ये काफी पुरानी तस्वीर है तो मुझे इसका उसका नाम दिया. तो वहां ये रैंडम क्लिक है मुझे लग रहा है. जी बिल्कुल, ये रैंडम क्लिक है. तो वहां पर जब मैंने कैमरा निकाला तो जब आप मतलब थोड़ा विलेज एरिया में जाते हैं तो जो उधर के लोगों का एक वो होता है कि बच्चे जो है ना वो इस चीज को देखकर बहुत खुश होते हैं. तो वो बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आप देखते ना कि कोई नई चीज करेगा बंदा और कुछ ऐसा करेगा. और जो सबसे मजे की बात है कि विलेजेस जो होते हैं उन एरियाज में लोग जो है ना वो बड़े कलरफुल से ड्रेसेस पहनते हैं. खवातीन देखेंगे वो रेड कलर में, ऑरेंज कलर में वगैरह पहनती हैं, और जो बच्चे होते हैं वो बड़े शार्प कलर्स जो होते हैं ना उनके वो यूज करते हैं. तो इसमें बच्चे ने अगर हम देखें तो इसमें स्काई ब्लू टाइप जो है ना इसमें
मजे का कलर, तो इसमें एक तो कलर इसमें से बड़ा मजे का लग रहा था मुझे। नहीं इस पिक्चर की मुझे भी बड़ी अच्छी बात लगी यही, एक तो कलर कॉम्बिनेशन और सबसे अच्छा जो पोर्ट्रेट के एंगल्स अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें बच्चा भी लेंस में देख रहा है और ऊंट भी लेंस में देख रहा है, और जो कि बहुत अच्छा आई कॉन्टेक्ट है। ऑल्दो पीछे थोड़ा सा हमारे हाइलाइट्स हैं क्योंकि वो नेचुरली दिन का टाइम होगा मेरे ख्याल में, पीछे हमारे पास ब्राइट बैकग्राउंड है, लेकिन स्टिल वो तंग इसलिए नहीं कर रहा, टेक्निकली वो अच्छा नहीं है लेकिन तंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फोरग्राउंड में जो इनका जो लेंस में जो इनकी वो है ना देखने के जो आई कॉन्टेक्ट है वो इस पिक्चर को मेरे ख्याल में मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चा ना बड़े शौक में आया था, तो ये कैमल जो है ना, मैं कुछ और सोच रहा था, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ और जहन में मेरे कुछ और आ रहा था इस बच्चे का पोर्ट्रेट लेने के लिए, तो कैमल खुद बखुद आगे आया। अच्छा। और उसके बाद मैंने बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने उसको बोला कि बेटा स्माइल करो, तो जब मैंने उसको बोला तो कैमल ने मेरी तरफ देखा, तो मैंने उसी टाइम क्लिक किया। ओह वेरी नाइस। और दूसरा इसमें राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ एरिया फर्स्ट लुक में यूं लगता है जैसे थोड़ा नेगेटिव स्पेस टाइप है, लेकिन मेरा इस एरिया को कैप्चर करने का मकसद है कि कुछ कैमल्स भी, दो कैमल्स हमें वहां पर नजर आ रहे हैं, और गांव में ना कुछ लोग इस तरह चारपाई बिछा के ऊपर छोटा सा एक झोंपड़ा टाइप बना लेते हैं छांव के लिए। नहीं बड़ी अच्छी स्टोरी है। इस नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं, लेट्स सी। जी जी। ये एक है वेडिंग, ये मुझे पसंद आया, आई थिंक ये कमर्शियल कोई पिक्चर है आपकी। जी जी। और इसका एंगल बहुत अच्छा है, इसके बारे में बताएं। हाँ। ये बेसिकली एक वेडिंग शॉट ही है, ठीक है, और इसमें ये 16mm से बनाया गया। ओके। तो होता ही है कि जब इंसान बड़ी कोशिश करता है कि कुछ परफेक्शन आए चीज के अंदर, मेरी बड़ी ट्राई थी कि इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें ना जो हमारा फानूस है वो मेरी कोशिश थी कि बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, लेकिन वो बस नहीं आ पाया, क्योंकि जो अच्छा फोटो का कैप्चर होना भी एक अच्छी लक से ताल्लुक रखता है मेरा जो ख्याल, और मैंने इसको बहुत टाइम पे एक्सपीरियंस किया। लेकिन वो यू आर राइट, सेंटर में नहीं आया, लेकिन वो मेरे ख्याल में अच्छा आ गया कि वो थर्ड के करीब करीब आ गया, और उसकी वजह से ये जो इसकी सीलिंग के जो ये चपोर डब्बे है ना ये उसको जी जी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और ऊपर जो वो फानूस जहाँ पर लगा वो बड़ी ड्रामेटिक से लुक के अंदर वो जो एरिया है सारा उसमें वो सारी आपका फोरग्राउंड जो है मॉडल है या दुल्हन है व्हाटएवर वो भी उसका भी बहुत अच्छा आया। और इसके अलावा इसमें जो एयर रिंग पहना हुआ है वो और उसके पीछे जो बाल हैं ये इस चीज को बहुत बैलेंस कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं बहुत अच्छी पिक्चर है, दिस इज वेरी नाइस, ग्रेट। सो डिफिकल्ट हमारे लिए कि इस तरह की जो लाइट है इसमें व्हाइट बैलेंस को करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। मतलब सब येलो येलो आ रहा है। बिलीव इसमें फ्लैश तो आप फ्लैश तो किया है आपने इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो किया है, उसके बगैर तो ये नहीं होना था, नहीं आ सकता क्योंकि मैं ये लाइट काफी कम है। सॉरी क्योंकि लाइटिंग वरना अगर फ्लैश के बगैर करते तो पीछे जो फानूस की लाइट है उससे इसका चेहरा ही जो है ना वो ब्लैक हो जाता, बैक लाइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि वेडिंग के अंदर क्रिएटिविटी थोड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल एक्सप्रेशन। सो रियली नाइस, वेरी बहुत अच्छी पिक्चर है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। सो लास्ट पिक्चर, इसके बाद मेरी 3 पिक्चर्स की बारी है, ठीक है, मुझे नहीं भूलना। मैं तो शिद्दत से वेट कर रहा हूँ कि आपकी इमेजेस कब देखूंगा मैं। चले ये आ गए जी इसका। अच्छा ये बिल्कुल वो जो वाक्या मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट इमेज जो हमारी थी ये बिल्कुल उसी के रास्ते में ही थोड़ा सा हम आगे आए थे। तो इस तरह ये जो खवातीन है ये मेरे ख्याल में कोई राइस चावल जो होते हैं उनका कुछ ये कर रही थी, उनको पता नहीं कुछ वो कर रही थी, तो मैं इनके पास गया तो इन लोगों ने भी बहुत अच्छे कलर्स पहने हुए थे इन खवातीन ने, मतलब उस इस ग्रीनरी के अंदर जो मुझे मतलब यूं लग रहा था जैसे किसी ने कलर फेंक कर उस पर कुछ डॉट्स लगा दिए, दूर से यूं फील आ रही थी, रेड कलर का ब्लू कलर का, जिस तरह खवातीन के वहां पर विलेज एरिया में ना बड़े शार्प कलर्स पहनते हैं, तो मैं फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये एरिया सारा, तो मैं इनके पास गया तो मैंने उनसे परमिशन ली, तो उनमें से सिर्फ एक खातून थी ये वाली जिन्होंने मुझे परमिशन दी कि हाँ आप मेरी इमेज बना सकते हैं।
हैं, क्योंकि बाकी मेरे ख्याल में यंग खवातीन की तो होता है की हाँ थोड़ा पर्दे की जाती है कि वो अप्रिशिएट कि आप उनसे पूछ के करते हैं ये हमारे बहुत से फोटोग्राफर्स को एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी या फोटो वॉक्स में जाते हैं और बगैर पूछे लोगों से दुकानदारों की तस्वीरें ले रहे होते हैं सो ये एक हमारी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप हमेशा उनसे पूछ लें तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली मैंने जो बात फील की है हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रॉपर फोटोग्राफी टीच कर रहे हैं वहां पर ना तो लॉज के बारे में बताया जाता है फोटोग्राफी के ना एथिक्स के बारे में बताया जाता है बस अब हम बताएंगे YouTube पे फिकर ना करें ठीक है एग्जैक्टली मैंने 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 कुछ टाइम पहले फोटोग्राफी की क्लासेस स्टार्ट की थी मैंने उसमें भी बाकायदा हमारा जो मास्टर वो था उसमें हमने रखा था इसका बाकायदा बस अब पता क्या याद है एक दफा हम पहले भी बात कर रहे थे जब आपने ट्रेनिंग की बात की थी आई थिंक अब दुनिया चेंज हो गई ये जो यूट्यूब इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी आई बिलीव ठीक है इंटरनेट इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड और इसमें आप शेयर करते जाएं नॉलेज आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी ठीक है और अब नेचुरली इदारों की भी लिमिट्स होती हैं करिकुलम के बड़े मसाइल होते हैं उनके अप्रूवल तो बड़े तमाशे हैं तो आई थिंक ये हम शेयर करेंगे कोई नहीं शेयर करता चले ग्रेट सो आप भी नाइकॉन पे है मेरे ख्याल में ठीक है ना नाइकॉन जी जी बिल्कुल लेकिन ये वो फ्री वाली जो मिलती है ना जब कैमरा खरीदते हो तो मिल जाती है तो वे वो वाली है। तो मैं आज कह लिया मुझे नाइकॉन ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया तो ये ऐसे ही तमाशे के लिए बैठ ठीक है अच्छा मुझे याद है मुझे मैंने नाइकॉन की एक मुझे भी आज तक नाइकॉन की तरफ से कुछ ऐसा नहीं मिला हाँ एक फोटो वॉक हुई थी लाहौर में मेरी फर्स्ट फोटो वॉक थी वो तो उसमें मुझे मैंने विन किया था और उन लोगों ने मुझे कैप दी थी मैंने कैप भी अभी भी मैंने रखी हुई है और मुझे याद मुझे मुझे आप पहले बताते कि मैं मेरे पास भी पड़ी हुई कैप बिल्कुल अभी वही कैप पहन के कुछ ना कुछ मैं भी नाइकॉन को रिप्रेजेंट कर देता लेकिन क्योंकि इवन इवन नाइकॉन का स्कूल जो है ना ऑनलाइन जो उनका अभी उन्होंने कोविड के ऊपर फ्री कर दी थी क्लासेस अपनी तो वो भी मैंने अटेंड की बड़ा मजा आया सो आई थिंक वी आर डूइंग ग्रेट जॉब चले नेक्स्ट चलता हूँ मैं फिर से शेयर कराता हूँ और अब मेरे तीन पोर्ट्रेट देखते हैं उस पर आपके कमेंट्स में लुकिंग फॉरवर्ड ठीक है ये मैंने करा दिया शेयर अच्छा ये आपको नजर आ रहा है लाइटरूम जी जी बिल्कुल अच्छा मैंने ये लास्ट के जो तीन फोटो है ना ये शेयर ये मैंने सोचे कि आप लोगों से दिखाता हूँ अच्छा पहली तस्वीर है मेरे पास ये वाली ठीक है अगेन मैं इवेंट फोटोग्राफर नहीं हूँ इसलिए मेरे पास ज्यादातर जो है ना ट्रेवल फोटोग्राफी के शॉट्स होंगे जबरदस्त तो ये पिक्चर जी मैं बोल रहा था कि काफी छुपे रुस्तम हैं आप अभी मुझे वो इमेजेस शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन जो आपने मुझे आज तक नहीं दिखाई मैं ज्यादा ऑनलाइन हूँ नहीं हूँ ये पिक्चर तो है मेरे जो 500 px की प्रोफाइल पे है अच्छा 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 सही ये पिक्चर मैंने ली स्कर्दू में और ये भी बड़ी ही अनप्लान्ड पिक्चर थी हुआ ये कि मैं शिगर में था और सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरा इरादा था कि मैं जाऊंगा ये सनराइज को कैप्चर करने पहाड़ों की तरफ सामने शिगर के आसपास दिल्ली में सो मैं अर्ली निकला तकरीबन 6:30 या 7 बज रहे होंगे और जैसे ही मैं वो होटल से बाहर निकला तो बराबर में कुछ घर भी हैं वहाँ पे लोगों के वहाँ ये बच्ची बैठी हुई थी और काफ़ी दूर थी और वो ये बैठी हुई जो है ना ये पता नहीं खुबानी थी या सेब खा रही थी इसका ब्रेकफास्ट था मेरे ख्याल में और पानी उसका गिर रहा था मुझे बड़ा एडमायर किया तो मैंने जल्दी से अपना लेंस चेंज किया 300 लगाया अपना पुराना वाला मेरा जो था और ये मैंने पिक्चर लिए और रियली मैं मुझे बड़ी पसंद है इसकी और भी बहुत सारे शॉट्स हैं इसमें नलके को मूवी लगाया सो मुझे ये पसंद आई थी आपको कैसी लगी आपका रिव्यू चाहिए अच्छा इसमें मुझे जो चीजें बहुत ज्यादा मजे की लग रही हैं आप ना सबसे पहले इसका टैप देखें इसका टैप कितना मजे का है मतलब वो जो पहले जमाने में आता था ना मतलब बड़ा आर्टिस्टिक सा टैप है और उसका जो कलर आ रहा है मतलब वो जो इसका येलोश मेटालिक टाइप इसका जो कलर है बिल्कुल ये चीज बहुत मजे की लग रही है और दूसरा इसमें इसने जो ड्रेसिंग की हुई है बच्ची ने इसका बड़ा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कंट्रास्ट अच्छा बन गया दीवार के साथ उसका हाँ
एग्जैक्टली और तीसरा इसमें यह है कि ये जिस मूड में बैठी हुई है, मतलब इसका जो हेयर स्टाइल है, इससे लग रहा है कि यार वो दुनिया से लापरवाह होकर अपने काम में है, वो आई डोंट केयर का उसने टैग लगाया हुआ है। रियली सच में ऐसा ही हुआ, इसने मुझे देखा भी है, मेरे पास वो पिक्चर्स में ये मुझे देख रही है, बट उसने मुझे बिल्कुल इसने बॉदर नहीं किया कि ये कौन है, क्या है, क्यों है, मतलब वो अपने नाश्ते में बिजी थी। हाँ So, मुझे बड़ी ये कैंडिड पिक्चर है। चलो नेक्स्ट पिक्चर पे मैं जाता हूँ। ये मैंने ली थी अफ्रीका में, जब मैं अफ्रीका ट्रिप पे था 2017 में आई बिलीव। तो जी जी मुझे ये बताएं, ये नायकॉन 750 से ली हुई है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मजा आया ये तस्वीर देख के। हाँ ये हम जब वो मसाई मारा में सवारी पे थे तो वहां से एक दिन का ट्रिप था, वहां पे मसाई विलेज आता है, ठीक है, उनको आप बहुत नॉमिनल फीस दे के रहना, वो आपको पूरे गांव की ट्रिप करवाते हैं। वहां पे मैंने काफी पिक्चर दी थी। सो वंस अगेन ये वही फेमस 50 mm निफ्टी 50 जो है, बेहतरीन लेंस है, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लेंस कोई नहीं है। और ये मैंने बहुत ही अनप्लैंड था, लेकिन प्लैंड था, ये सब खवातीन वहां खड़े होके वो गाना गा के परफॉर्म कर रही थी, जो उनका कल्चरल सॉन्ग होता है। सो इसमें मुझे जो पसंद है इन जो फ्रंट पे जो खातून है, उनकी आईज अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वो किस तरह जो है ना, कितनी चमक रही है, ठीक है ना। पीछे वाली खातून है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े से इयर रिंग्स पहने हुए हैं और वो भी बहुत, मतलब उन्होंने भी बड़ा अच्छा, इनके जो ड्रेसिंग है सबके डिफरेंट, लेकिन इसमें जो कॉमन कलर है वो येलो ऑरेंज येलो मिक्स है। सो लास्ट पिक्चर मेरी जो है, सिगरेट नोशी वैसे मुझे पसंद नहीं है ना, मैं करता हूँ, लेकिन ये बड़ी कैंडिड पिक्चर थी और ये मैंने ली थी, ये 2014 की पिक्चर है। ये जब याद है पीटीआई के अपने जलसे उरूज पे थे उस जमाने में। सो ये इस्लामाबाद में ये कश्मीर हाईवे पे जो है ना, रोज जैस्मीन गार्डन के पास सारंग का जलसा चल रहा था, मैं ऐसे ही अपना कैमरा उठा के गया था जस्ट टू कवर पोर्ट्रेट्स और ऐसे ही पब्लिक। ये वहां पे ये मैंने एक रैंडम ट्रिक मारा था, लेकिन इसको इन साहब को मैंने दूर से आते हुए देख लिया था और बड़े स्टाइल से सिगरेट पी रहे थे। सो आई ट्राइड कि मैं इनको, मैंने यहाँ पे मैंने उनसे पूछा नहीं था, उस टाइम पे मुझे भी इतनी चीजें नहीं पता थी कि पूछना चाहिए, लेकिन मेरे पास 50 mm ही लगा हुआ था और मैंने काफी करीब से इनका शॉट लिया था। आई डोंट नो उन्होंने मुझे जिस तरह देखा वो मुझे नहीं पता, उनको अच्छा लगा या बुरा लगा, लेकिन ये कि आई रियली लाइक दिस शॉट, जिसमें उनका आई कांटेक्ट मेरे से बहुत अच्छा हुआ और मैंने इसको जान के ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, आपका क्या रिव्यू है इसमें? अच्छा, इसमें इसमें दो तीन चीजें हैं जो इस इमेज को, जो फर्स्ट बंदा देखेगा ना वो थोड़ा बोलेगा यार नेगेटिव स्पेस है ये वो, लेकिन अगर हम इसकी राइट साइड पे देखेंगे तो जो कुछ लिखा हुआ है, विजिबल तो नहीं है कि क्या लिखा है, लेकिन ये चीज, और इसके नीचे अगर हम देखें, मुझे नहीं पता इसके नीचे क्या चीज है, लेकिन यूं लगता है जैसे कोई स्पून पड़ा हुआ। क्या पड़ा हुआ? स्पून, चमचा नहीं, ये असल में एक और आ रही है। एक और बंदा है, ये उसका हाथ है। अच्छा हाँ, ये एक और बंदा जा रहा है। हाँ, 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 एक और बंदा गुजर रहा है, ये उसका हाथ मैंने और उसने आस्तीन चढ़ाई। मैंने 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 सॉरी मैंने इस पर गौर नहीं किया, मुझे एकदम स्पून जैसा लगा। और इस इमेज की सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप इनकी जो फिंगर्स हैं, इनका आप सिमेट्री देखें कि उन्होंने जो सिगरेट को कश लगाने के लिए वो पकड़ा है, उसके साथ जो फिंगर की सिमेट्री है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव ये चीज है। और दूसरा, इनके चेहरे पर जो माथे पर शिकन है, आपको स्टोरी के बारे में अगर इसको थोड़ा जितना भी एक्सप्लोर किया जाए, ये खुलती जाएगी, मजीद खुलती जाएगी। ग्रेट, तो कैसा लग रहा है पता नहीं लोगों को, लेट्स सी। आज हमने ये 6 पोर्ट्रेट्स डिस्कस किए और बड़ा मजा आया मुझे जो है ना
अली शान की पिक्चर्स देख के भी, और होपफुली इस चैट को हम जारी रखेंगे, ठीक है, थीम को लेके आगे चलेंगे और इसी तरह गपशप को रिकॉर्ड करके अपलोड करते रहेंगे, तो हमें भी नॉलेज एक दूसरे की शेयर करने का मौका मिलेगा और मे भी जो लोग देखना चाहें उसको देखेंगे तो उनको भी इससे सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आज का हम मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आजकल मुल्तान में हूँ और बल्कि आजकल भी मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ कि यार यहाँ पर मैं क्या कैप्चर कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। मेरा क्योंकि आपको पता है सिस्टम जो भी मेरा है वो सब इस्लामाबाद में है, तो जैसे ही मैं इस्लामाबाद में आता हूँ इस तरह की जो गपशप है हमारी वो चलती रहेगी, इसको मजीद मजेदार बनाएंगे, इसमें मजीद फोटो को इजाफा करेंगे, बहुत सारी नई बातें बताएंगे, इसमें जो जो देखने वाले हैं एटलीस्ट वो खाली देखे नहीं, उनको एक वो एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरें और उनको हर दफा कुछ नया सीखने को मिले। नहीं, मेरा मेरे माइंड में यही है, मेरे माइंड में यही है कि सिखाना है और सीखना है, ठीक है, तो हम भी सीख रहे हैं सिखाते रहेंगे, लेकिन ये कि इस बहाने जो जो किया हुआ है उसको डाल दें, मैं भी किसी के काम आ जाए, इवन ट्यूटोरियल्स भी डालेंगे इंशाल्लाह, लाइट रूम वगैरह के मिल के डालेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, जरूर जरूर, और शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे ज्वाइन किया, सो नाइस ऑफ यू, ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड तक, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।